अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्लाह का, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह नाश्ते से। तो यहाँ पे नाश्ता और चाय शाय बन रही है। चाय मैंने बनाई थी अपने लिए और अपनी हेल्पर के लिए, और नाश्ता जो है ना वो अभिया के बाबा ने करना था और अभिया ने करना था। मैंने सुबह ही कर लिया था क्योंकि मैंने मेडिसिन लेनी होती है ना, तो मैं सुबह सुबह नाश्ता करके तो मेडिसिन खा लेती हूँ। दो टाइम ही वैसे तो मैं खाना खाती हूँ। तो अभी हलवा जो कल मैंने बनाया था ना, वो अभी तक पड़ा हुआ था, तो बहुत ही मज़े का था। तो आज भी मैंने चाय के साथ ले लिया। और यहाँ पर हमारा दूध आज का ना ख़राब हो गया था, दूध लेट आया था तो वो ख़राब हुआ जब हमने बॉयल किया। तो मेरे ना आज दांत में भी काफ़ी ज़्यादा दर्द थी, मैंने बताया था ना रूट कनाल करवाई थी, तो वो अब ना ख़राब होना शुरू हो गई है। तो वैसे तो मेडिसिन ले रही हूँ, लीक जीज का मसला बन गया था तो डॉक्टर ने कहा था कि आपने 5 डेज लेनी है और उसके बाद आपकी दांत जो है ना वो निकालनी पड़ेगी। मुझे भी इस चीज़ की भी बहुत टेंशन हुई हुई है कि मेरी दांत जो है ना वो निकालनी पड़ेगी, तो या फिर इम्प्लांट करना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या बनता है। इम्प्लांट का तो खर्चा भी बहुत आता है। चले देखते हैं, बस दुआ कीजिएगा आप लोग ना कि मेरा दांत जो है ना दांत का दर्द ठीक हो जाए। तो यहाँ पे फिर मैंने अपने हेल्पर्स कहा था कि आप ना रोटियाँ दो बना दो क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, दांत में बहुत दर्द थी। तो मैं तो हल्की फुल्की ही चीज़ें खा रही हूँ, ना मुझसे रोटी खाई जा रही है ना कुछ और सख्त चीज़ तो खाई नहीं जा रही। राइट साइड पर ना लेफ्ट साइड पर मसला बना हुआ और राइट साइड पर भी नहीं खाया जा रहा। तो अभिया के लिए यहाँ पे चूरी बनाई जा रही है क्योंकि अभिया एज़ यूजल अब ना चूरी खाना शुरू हो गया। डेली कहती है कि मुझे चूरी बना के दें, देसी घी वाली, चीनी वाली ना, तो वो बहुत शौक से खाती है। तो फिर हस्बैंड के लिए दो रोटियाँ बना ली थी और मैंने सुबह ब्रेड और अंडे का नाश्ता कर लिया था चाय के साथ, और साथ में हलवा थोड़ा सा पड़ा हुआ था वो खा लिया था क्योंकि मीठा खाने से भी ना दांतों में लगने लग जाता है। तो आज मैंने आप लोगों के साथ ना एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ शेयर करनी है कि मुझे ना एक ऐसी डाइटिशियन मिल गई है जो ना वेट लॉस करवाती हैं। इसके अलावा बहुत सारे उनके पास डाइट प्लान होते हैं जो लोग कंसीव करना चाहते हैं, जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनके लिए, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मसले मसाइल का हल जो है ना वो आपको बताएंगी। तो मैंने आपके साथ शेयर करना है, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरा देखना ताकि आपको भी मसलों का हल मिल सके। जो लोग मेरी तरह परेशान है ना कि वेट लॉस नहीं हो रहा, ये खा लिया वो खा लिया, तो उनको इंशाल्लाह सोल्यूशन मिलेगा। इसके अलावा वो लोग जो वेट गेन करना चाह रहे हैं, क्योंकि इसमें ना सब लोगों के लिए फायदे हैं, वेट लॉस के लिए, वेट गेन करने के लिए, और इसके अलावा अगर आपको पीसीओएस का मसला है उसके लिए भी आपको डाइट प्लान मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप बच्चों के लिए लेना चाहते हैं, कि क्योंकि ऐसा अक्सर होता है कि बच्चों को न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, तो वो उनके लिए भी डाइट प्लान प्रोवाइड करती हैं। तो मैंने आपके साथ ना आज डिटेल्स शेयर करनी है, तो वीडियो को स्किप नहीं करना इसलिए, तो आपने पूरा देखना है। तो यहाँ पे आज फिर मैंने घर की सफाई वगैरह करवाई थी, डस्टिंग होने वाली थी क्योंकि यहाँ पे अभिया बैठ के ना सारा दिन खेलती रहती है ना, तो वो बहुत ज़्यादा पेंसिलें और निशान वगैरह लगा देती है, तो फिर सफाई डस्टिंग करवानी पड़ती है। तो ये है आज की ग्रॉसरी जो मैंने मंगवाई है। ये मंगवाए थे प्याज, टमाटर, एप्पल, मैदा, और ये हरी मिर्चें, हरा धनिया, और इसके अलावा खीरे, गाजरें, ये सारी चीज़ें ना ख़त्म हुई हुई थी। और ये मैं वीक की ना मैंने ग्रॉसरी मंगवा ली, और पालक भी साथ मंगवाई है। पालक के साथ ना मैं सोच रही थी कि मैं बटर चिकन और पालक बनाऊंगी, बहुत मज़े का बनता है, तो आपके साथ भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा कुछ मेरे बेकरी आइटम्स भी मंगवाए थे, जैसे कि ये चेडर चीज़ मैंने मंगवाई थी। ये होते हैं प्लेन पराठा जो मैं यूज़ करती हूँ, अक्सर आप लोग पूछते हैं ना डॉन के अच्छे रहते हैं, किसी और कंपनी के नहीं अच्छे रहते। और ये फिर ब्रेड भी मैंने मंगवा ली थी, बर्गर वाली, और ये मेरे कुकिंग चैनल का समझ ले सामान है। और कुकिंग चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया ना तो वो ज्वाइन कर लीजिए, मैंने मैंशन किया वीडियो के टाइटल में भी ना। इसके अलावा नूडल्स अभिया के, और ये अभिया का भी सामान है, और ये अंडे भी हैं, ये 9 अंडे आपको नजर आ रहे होंगे, 3 जो है ना वो मेरे हस्बैंड तोड़ के ले आए थे आते हुए, उनसे टूट गए थे, वो अक्सर तोड़ लाते हैं जब भी लेके आते हैं क्योंकि सामान इतना ज्यादा होता है ना, तो वो बेचारे उनसे ना टूट जाते हैं। तो इंशाल्लाह मैं ना आप लोगों के साथ कुकिंग चैनल पर मज़े मज़े की वीडियोज़ जो है ना वो लाने वाली हूँ, तो आप लोगों ने मिस नहीं करना, स्किप भी नहीं करनी। और वीडियोज़ को अगर आपने वो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी जल्दी कर लें। यहाँ पर बना रही हूँ अभिया के लिए नूडल्स आज, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए ना इसने नूडल्स नहीं खाए, जब से बेचारी ठीक हुई थी ना, बीमार हो गई थी पिछले दिनों में आप लोगों को पता है, तो उसके बाद नूडल्स इसके बंद कर दिए थे हमने। तो ये काफ़ी अरसे के बाद आज लेकर आई है, ग्रीन वाले, इसमें मिर्चें नहीं होती हैं, ये बहुत मज़े के भी बनते हैं। तो फिर शाम को मैंने कहा कि मैं ना पालक बना के रख लेती हूँ, आज मैंने खाना शाना नहीं बनाया था क्योंकि सालन जो है ना वो दाल माश वाला कल वाला वो पड़ा हुआ था, तो फिर मैंने कहा पालक मैं सुबह ही बनाऊंगी, अभी रात का टाइम है। तो मैंने पालक को ना यहाँ पर काट के बना के ना, तो मैंने कहा फ्रिज में ही रख देती हूँ, मैं कभी भी पालक बाजार से मंगवा के ना एज इट इज़ फ्रिज में नहीं रखती हूँ। जब से मैंने वो वाकया सुना ना कि एक दफा ऐसे हुआ था कि एक औरत ने ना ऐसे ही पालक बाजार से ला के ना तो शॉपर समेत फ्रिज में रख दिए और उसके बच्चे की डेथ हो गई, और अगले दिन ये न्यूज़ चली थी, शायद आप लोगों ने सुना हो। जब इन्वेस्टिगेशन की ना फिर पता चला कि वो पालक से कहीं ना सांप का बच्चा जो है ना वो निकल के तो दूध में चला गया था, और बच्चे ने वो दूध पी लिया और बच्चे की जो है ना वो डेथ हो गई थी।
जब से मैंने ये वाक्या सुना ना, तो मैं कभी भी पालक को ना एज इट इज फ्रिज में नहीं रखती। जब भी पालक आती है ना घर में, पहले मैं उसको साफ करती हूँ, बनाती हूँ कटिंग करके, फिर मैं उसको फ्रिज में किसी बॉक्स में डाल के या शॉपर में डाल के जो है ना फिर ही रखती हूँ फ्रिज में। जैसे कि मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि मुझे एक डाइटिशियन मिल गई है, डाइटिशियन निदा है उनका नाम। वो ना सबको डाइट प्लान प्रोवाइड करती हैं, तो उन लोगों के लिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, इसके अलावा जिनको पीसीओएस का मसला है, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, इसके अलावा जो प्रेगनेंट वुमेन लैक्टेटिंग है और उनके लिए भी वो प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा चिल्ड्रंस के लिए भी, जो बच्चे न्यूट्रिएंट्स की कमी का शिकार होते हैं बच्चे, उनके लिए भी वो डाइट प्लान प्रोवाइड करती हैं। उनके जो डाइट प्लान होते हैं ना, वो हेल्दी तरीके से वो बताती हैं कि आपने कैसे वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है। ऐसा नहीं है कि वो क्रैश डाइट दे देंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिसमें रोटी, सब्जी, चावल, दालें, चिकन, ड्राई फ्रूट्स, फ्रूट्स, नट्स, हर चीज़ शामिल होगी वो डाइट वो प्लान देती हैं। उनका जो डाइट प्लान है ना, वो उनके मंथली कुछ पैकेजेस होते हैं जो कि बहुत ही रीजनेबल है, और आपसे वो इन्फॉर्मेशन लेंगी और फिर ही आपको डाइट प्लान देंगी। ऐसा नहीं कि एक ही डाइट प्लान वो सबको दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके बारे में वो इन्फॉर्मेशन लेती है, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट कितना है, आप मेल हैं फीमेल हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपसे लेंगी और फिर वो आपको एक डाइट प्लान बना के देती हैं। वो एक दिन का टाइम लेती हैं, फिर आपको डाइट प्लान बना के वो उस हिसाब से फिर आपको दे देती हैं। उनके ना डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस हैं, आप कोई सा भी पैकेज ले सकते हैं। 2000 से स्टार्ट होते हैं पर मंथ, और रिसेंटली ना उन्होंने सिल्वर पैकेज भी लॉन्च किया है, जो कि उन लोगों के लिए है जो उनके साथ टच में रहना चाहते हैं, कांटेक्ट में रहना चाहते हैं। अगर आपको कोई मसला मसाइल हो जाता है तो आप उनसे बात करके तो पूछ भी सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में आप इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। जब चाहें आप उनको मैसेज कर सकते हैं और वो आपको रिप्लाई देती हैं। ये इनका सिल्वर पैकेज है जो कि 5000 से स्टार्ट होता है, तो ये बहुत बड़ी डाइटिशियन है। आप इनकी ना इंस्टाग्राम का पेज भी ज़रूर विजिट कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इस चीज़ का। ये मंथली, एक मंथ में ना आप अगर 5 kg वेट लॉस करना चाहते हैं तो 5 kg भी कर सकते हैं। ऐसी डाइट वो बताती हैं जिनसे आप 5 kg आराम से लॉस कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बहुत मुश्किल वो आपको डाइट बताएंगी या बहुत मुश्किल एक्सरसाइजेस बता देंगी, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल हेल्दी तरीके से ना वो वेट लॉस करवाती हैं, और अगर आपका वेट लॉस हो जाता है तो वो आपका वेट लॉस वापस भी नहीं आएगा, इस तरीके से वो करवाती हैं। इसको हेल्दी तरीका कहते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद आया। मैंने भी उनको अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है और वो भी मेरे लिए डाइट प्लान आज बना के वो मुझे भेज देंगी। इंशाल्लाह मैं भी शुरू करूंगी और आप लोग भी स्टार्ट कीजिएगा। देखते हैं हमें मंथ में हम कितना वेट लॉस करना चाहते हैं। मुझे बस 5 kg रिड्यूस करना है। मैंने उनसे कहा था कि मुझे 5 kg का अपना डाइट प्लान बना के दें कि मैं एक मंथ में 5 kg जो है ना वो लॉस कर लूँगी, क्योंकि मुझे बस 5 kg करना है। 65 है मेरा, मैं चाहती हूँ 60 या 58 तक हो जाए, तो इसलिए मैंने खुद स्टार्ट करना और आप लोग भी स्टार्ट कीजिएगा। उनका नंबर मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दिया, आप उनसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगी। अलावा उनके पास ब्राइडल पैकेज भी है, वो खवातीन जिनकी शादियां होने वाली हैं वो भी ले सकती हैं, उनके साथ उनके पैकेज ले सकती हैं, अपना वेट लॉस कर सकती हैं। इसके अलावा वो खवातीन जो कंसीव करना चाह रही हैं और कंसीव नहीं कर पा रही हैं अपने वेट की वजह से, वो भी उनसे रابطہ कर सकती हैं। वो ऐसी डाइट आपको बताएंगी जिससे आप कंसीव भी कर सकेंगे इंशाल्लाह और अपना वेट जो है वो भी कम कर सकेंगे, बिल्कुल हेल्दी तरीके से। ऐसा नहीं है कि आपको क्रैश डाइट दी जाएगी या मुश्किल एक्सरसाइजेस दी जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर उनका फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप इनके इंस्टाग्राम पे जाकर ना आप देख भी सकते हैं, उन क्लाइंट्स को देख सकते हैं जिन्होंने वाकई रियल में अपना वेट जो है ना वो कम किया है। उन्होंने सबकी पिक्चर्स लगाई हैं वहाँ पे, डिटेल्स भी हैं। आप जाकर ना उनका इंस्टाग्राम भी जरूर विजिट कीजिएगा। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक अपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया और ये नंबर भी है उनका व्हाट्सएप का, तो आप यहाँ पर जाकर भी उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। जो खवातीन मेरी तरह परेशान है वेट की वजह से, तो वो ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आप सिल्वर पैकेज जो उन्होंने अभी लॉन्च किया है, उसका पैकेज जो है ना वो 5000 में है और वो रिकमेंडेड है वो, क्योंकि उसमें आप उनके साथ टच में रहेंगे, आप उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं कुछ भी। तो वो 3 months का है, वो मैंने रिकमेंड किया आप लोगों को। इसके अलावा अगर आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप 2000 जो वेरी लो पैकेज है उनका वो आप ले सकते हैं, 2000 से स्टार्ट होता है जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं वो सिल्वर पैकेज जरूर लें, रेकमेंडेड है, मैंने भी वही लिया, तो आप लोग भी वो लें। आप उनके साथ टच में रहें और उनसे पूछ सकते हैं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और वो आपको बकायदा डाइट के बारे में गाइड करती रहेंगी। तो सारे पैकेजेस की डिटेल जो है ना मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वहां पे जाइएगा और उन पैकेजेस को अवेल कीजिएगा।
जैसा कि आप लोग जानते हैं मोटापे से हर शख्स ही परेशान है और हमें समझ नहीं आती हम क्या खाएं। हम बाज़ूकात ऐसी चीजें छोड़ के बैठ जाते हैं जो हमें खानी चाहिए, हमें समझ में नहीं आता कि क्या छोड़ें क्या खाएं, बाज़ूकात भूखा रहने में मजबूर हो जाते हैं और कुछ डाइट हम ऐसी करने लग जाते हैं जो हमारी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होती है। लेकिन ये जो निदा डाइट बताती है ना, ये नुकसानदेह नहीं होती हमारी सेहत के लिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो हमें सिर्फ ये कहें कि अंडा खा लें, केला खा लें या कोई कहवा पी लें। वो डाइट उनकी डाइट में सब उनका जो डाइट प्लान है उसमें सब कुछ शामिल है। उसमें आप उनको ड्रिंक्स भी वो बताएंगी आपको, उसमें रोटी सब्जी चावल तीन तरह के मील होंगे और दो से तीन स्नैक्स भी होंगे जो आपने डेली खाने हैं। तो उनकी मजे का डाइट प्लान है जो आपको बहुत मजा आएगा उनका डाइट प्लान यूज करके, और आपकी सेहत के लिए भी बुरा नहीं है, हेल्दी तरीके से वो बताती हैं। क्योंकि हम लोग अक्सर गलत डाइट यूज करते हैं जिसकी वजह से हमारी सेहत पे भी नुकसान होता है और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और बच्चों के लिए भी आप ले सकते हैं, अगर आप प्रेगनेंट है तो भी ले सकते हैं। अगर आपको समझ नहीं आता कि प्रेगनेंसी में हमने क्या यूज करना है क्या नहीं करना, तो वो भी पैकेज आप उनसे अवेल कर सकते हैं। तो नंबर मैंने यहाँ पे मैंशन कर दिए हैं। अल्लाह हाफिज़।